हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आप जो वेरियस क्लॉज है वो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, और इसके लिए अपन इस बुक का क्वेश्चन नंबर 12 जो अपना जैन खंडवा पारीख है उसको देख रहे हैं, जिसका बैलेंस शीट का टोटल है 78,70,000। क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, क्वेश्चन में लिखते हैं कि साक्षी लिमिटेड हैज ए इश्यूड कैपिटल ऑफ 65,000, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दे रखें, 4,50,000 आपके इक्विटी शेयर दे रखें, प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल एट अ 5% प्रीमियम ऑन द फॉलोइंग बैलेंस शीट डेट। ठीक है, बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च 2016 की है। ये प्रेफरेंस शेयर हैं, इक्विटी शेयर हैं, पी एंड एल में 9,20,000 रुपीज़ पड़े हैं, क्रेडिटर्स दे रखें, देन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि भाई प्रेफरेंस शेयर आपको का रिडम्पशन यदि आप करना चाहते हैं तो आप एक तो इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं 3,00,000 में, इन्वेस्टमेंट कितने के हैं वैसे, इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके 350 के, और आप 3,00,000 में बेच रहे हो तो 50,000 का आपको नुकसान है। टू यूटिलाइज फॉर मैक्सिमम पार्ट ऑफ कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लीविंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2,00,000 इन द पी एंड एल, कहते हैं पी एंड एल में जो आपके 9,20,000 पड़े हैं ना, आप उसका पूरा यूज ना करें, अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 2 आप उसमें 2,00,000 छोड़ दें। और फिर भी यदि आपके पैसे कम पड़ते हैं तो आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो 10 रुपये का 2.5 रुपये प्रीमियम पर, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं, चार्ट बनाते हैं इसका, देखें कैसे। तो बैलेंस शीट में आपका लिखा है कि आपके पास 65,000 प्रेफरेंस शेयर हैं 20 रुपये का एक, तो आपके प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं, प्रेफरेंस शेयर आपके 13,00,000 के, और ऊपर ये भी लिखा है कि आप इसका प्रीमियम पर रिडम्पशन करना चाहते हैं, और कितने परसेंट प्रीमियम पे करना चाहते हैं, 5% पर। तो 13,00,000 का 5% होता है आपका 65,000, तो आपकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी, 13,65,000। अब हमें ये देखना है कि ये पैसा जो है वो अरेंज कहाँ से और कैसे होगा। क्वेश्चन में जो चीज़ें और आपको दे रखी हैं, क्वेश्चन में आपको ये कह रखा है कि पी एंड एल में आपके पास 9,20,000 रुपीज़ पड़े हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह में तो कोई रुपए आपके पास नहीं है। अब आपको क्वेश्चन में कहा कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बेच दिए, पॉइंट नंबर 1 में कहा कि इन्वेस्टमेंट को आपने 3,00,000 रुपए में बेच दिया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखें पहली एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितने रुपए आएंगे, 3,00,000, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट 3,00,000 में बेचा है और इससे आपको नुकसान हुआ 50,000 का, तो नुकसान डेबिट होता है पी एंड एल अकाउंट डेबिट 50,000। टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 3,50,000 के आपके इन्वेस्टमेंट चले गए, आपके पास रुपए आए 3,00,000, इससे आपको नुकसान कितने का हुआ 50,000। ये 50,000 आपने बैलेंसिंग फिगर में निकाला है, ठीक है, तो आपका 50,000 का आपको नुकसान हो गया, तो पी एंड एल में आपके पास 9,20,000 थे, 50,000 का आपको लॉस हो गया, तो आपके पास कितने रुपए बचे, 8,70,000, सही है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में कहा था कि 2,00,000 रुपए पी एंड एल में छोड़ने, तो ये आपको छोड़ने पड़ेंगे कितने रुपए, 2,00,000, तो 8,70,000 में से 2 ये भी चले गए, तो आप कितने बचे, 6,70,000 आपके पास रुपए बचे हैं, जिनका यूज आप प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन के लिए कर सकते हैं। और प्रॉफिट का जितना यूज आप प्रेफरेंस शेयर के लिए करते हैं उतना पैसा आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है 6,70,000। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट का अरेंजमेंट जो है वो कैसे होगा। ठीक है, ये प्रॉफिट का अरेंजमेंट तो हो गया, पर हमें यहाँ रुपए की कितने की जरूरत है, हमें यहाँ 13,00,000 की जरूरत है, जिसमें से 6,70,000 अरेंज हो चुका है, तब कितने और की जरूरत है, 13,00,000 में से 6,70,000 अरेंज हो गया तो आपको कितने की जरूरत और है, अब आपको 6,30,000 की और जरूरत है। ये 6,30,000 कहाँ से आएगा, तो ये आपको फ्रेश इशू से निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा फ्रेश इशू।
630 आपका रेंज हो जाना चाहिए। फ्रेश इश्यू कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट टू बी पेड, जितना भी अमाउंट पे करना चाहते हो, हम 630 पे करना चाहते हैं, डिवाइड बाय इशू प्राइस। तो पॉइंट नंबर थ्री में लिखा था कि 10 रुपी का शेयर है और आप 2.5 प्रीमियम पे इशू करना चाहते हैं, तो ध्यान रखना आप यहाँ प्रीमियम का यूज़ कभी नहीं कर सकते, यानी आपको यहाँ डिवाइड 10 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेक्शन 52 है वो इसकी परमिशन नहीं देता कि आप प्रीमियम का यूज़ प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए कर सकें। तो क्योंकि सेक्शन आपका अलाउड नहीं कर सकता करता, तो इसलिए आप इसका यूज़ यहाँ नहीं कर सकते, इसलिए आप 63,000 डिवाइड बाई 10 ही करेंगे, 2.5 का यूज़ यहाँ नहीं करेंगे। तो 630,000 डिवाइड बाई 10, तो इसका मतलब 63,000 शेयर आप इशू करेंगे, और इशू कितने में करेंगे, अब आप प्रीमियम यू लिख सकते हो, यानी नंबर ऑफ शेयर की जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तब आप कभी भी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते। हाँ, इशू चाहे आप प्रीमियम पे करो वो आपको सेक्शन 52 थोड़ा रोकता है, वो तो आपको ये कहता है कि नंबर ऑफ शेयर की कैलकुलेशन में नहीं करना, बाकी तो आप इशू कर सकते हो। तो इस तरीके से 63,000 शेयर आप जब 12.5 पे इशू करोगे तो उससे आपके पास 630,000 की कैपिटल का फंड आ जाएगा, जिसका यूज आप प्रेफरेंस शेयर के लिए कर सकते हैं। 630,000 यहाँ से आया, 670,000 यहाँ से आया, कुल मार्केट 13 लाख रुपए का रिमाइंड हो गया। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस तो था ही नहीं। हाँ, अभी आपने फ्रेश इशू किया उससे आपके पास पैसे जरूर आ गए। कितने? 63,000 शेयर्स पर 2.5 का प्रीमियम आया है, सही है। 63,000 शेयर्स पर आपका 2.5 का प्रीमियम आया है, तो आपके पास 1,57,500 आपका प्रीमियम आया है, तो यानी आपके पास रुपए कितने हो गए, 0 + 1,57,500 ये आ गया। उसमें आप इजीली 65,000 रुपीज़ निकाल सकते हैं यहाँ के लिए। फिर भी इवन आपके पास प्रीमियम में पैसा जो है वो बच जाएगा 92,500, ये अब आपका कहाँ चल जाएगा, रिमेनिंग बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर चल जाएगा। खैर, 65,000 का रिमेंट यहाँ से हो गया, 13 लाख का रिमेंट यहाँ से और यहाँ से हो गया, तो कुल मिला के पूरा पैसा जो है वो आपका अरेंज हो चुका है, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो ये अरेंजमेंट है आपका, 13 लाख में से 670 यहाँ आया, 630 फ्रेश इशू से आया, प्रीमियम के लिए ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं था, फ्रेश इशू से आपका प्रीमियम आ गया, उसी प्रीमियम का यूज़ आपने रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर में कर दिया, उसके बावजूद आपके पास बैलेंस शीट में पैसा बच गया। सर, एक बैंक का रिमाइंड भी देख लें, जरूर देखो, जरा बैलेंस शीट में देख के बताएं कि बैंक का बैलेंस कितना था। बैंक का बैलेंस था 6 लाख, सही है। अच्छा, आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा था, कितने बेचा था, 3 लाख में, तो 3 लाख का कैश और आया, कैश कितना हो गया, 9 लाख। फिर आपने अभी फ्रेश इशू किया, उससे भी कैश आया, 63,000 शेयर्स पर 12.5 आया, तो कितना आ गया, 7,87,500, तो कितना हो गया टोटल, 16,87,500, सही है, इतना कैश आपके पास हो गया। अब आपको पेमेंट कितना करना है, 13,65,000, इसमें से रिडम्पशन पर 13,65,000 रुपीज़ आपके चले जाएंगे, तो आपके बचेंगे कितने, आपके पास तो कैश बच रहा है, कोई कमी नहीं है आपके पास, 3,22,500, और ये कहाँ चल जाएगा, बैलेंस शीट में चल जाएगा, तो इतना बैंक बैलेंस जो है वो आपके पास पड़ा है, सही है। तो इतना तो ओपनिंग बैलेंस था, इन्वेस्टमेंट से आया, फ्रेश इशू से आया, और रिडम्पशन में इतना जाएगा, तो इतना बैलेंस आपके पास बच जाएगा। अब इसकी एंट्रीज देखते हैं कि वो कैसे होंगी। तो अब अपन इन्वेस्टमेंट को तो बेच चुके थे, फ्रेश इशू करते हैं। फ्रेश इशू किया था आपने 63,000 शेयर 12.5 के हिसाब से, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। 63,000 शेयर थे और 12.5 पे इशू हुए थे, तो आपके पास कैश कितना आएगा, 7,87,500, ये आपके पास कैश आ गया। नाउ
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को आप ट्रांसफर करेंगे किसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,87,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। 63,000 शेयर थे, एक शेयर था 10 रुपए का, तो 63,000 इंटू 10 ये आ गया 6,30,000, और प्रीमियम था 2.5 का, तो 63,000 इंटू 2.5 1,57,500। ये आपके दो एंट्रीज अपन ने की हैं, ये किसकी की हैं, ये फ्रेश इशू की, ठीक है, फ्रेश इशू हो गया। अब प्रीमियम के लिए भी पैसा अरेंजमेंट करना है, वो भी कर लें, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकाल लें, सिक्योरिटी प्रीमियम में यहाँ पैसा आया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेबिट कर दिया, पहले क्रेडिट था ना, डेबिट कर दिया, पैसा निकाल लिया। अब इसको किस में ट्रांसफर करना है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितने रुपए निकाले थे हमने, 65,000 रुपीज निकाले थे, ये देखो यहाँ से हमने 65,000 रुपीज जो है इसके लिए निकाले थे, सही है। अच्छा, पीएनएल से पैसा सीआरआर में भी ट्रांसफर करना है, वो भी अभी कर दें, तो वो एंट्री भी कर दें, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 6,70,000, तो ये एंट्री भी आपकी हो गई। तो अब सारा अरेंजमेंट अपना हो चुका है, अब अपन रिडम्पशन कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर थे अपने 13 लाख के, तो उस कैपिटल को डेबिट कर दें जिससे कैपिटल कैंसिल हो जाए, क्या इसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 13 लाख। प्रीमियम में हमने यह पैसा निकाल ही लिया था, क्रेडिट कर रखा था, इस अकाउंट में प्रोविजन बना रखा था, अब उसको डेबिट कर दो, क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 65,000 टू बैंक 13,65,000, आप इसका पेमेंट कर देंगे। इस तरीके से ये आपका सारी एंट्रीज का काम पूरा होगा। अब हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट देखते हैं। तो देखो अब अपन बैलेंस शीट को देख रहे हैं, तो बैलेंस शीट में क्या होता है, पुराना वाला फॉर्मेट जो है वो पूरा जो क्वेश्चन में दे रखा है बना दो, बैलेंस शीट ऑफ साक्षी लिमिटेड एज एट जो भी डेट है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, देन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में थी नहीं, देन उसका टोटल, देन आपकी एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, उसमें टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, देन करंट एसेट्स स्टॉक, सन्डरी डेटर्स, लेस पीबीडी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक, पुरानी बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बना लिया। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस शेयर दे रखे थे, लेकिन उनका तो हमने रिडम्पशन कर दिया, तो प्रेफरेंस शेयर तो अब है ही नहीं, केवल इक्विटी शेयर है, और इक्विटी शेयर पहले थे 4,50,000, और 63,000 शेयर आपने और इशू कर दी, भाई 4,50,000 शेयर तो पहले ही थे और 63 आपने और इशू कर दिए, तो ये हो गए 5,13,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच और फुली पेड अप, ये आपके फुली पेड अप हैं, ये आपके हो गए 51,30,000, ठीक है। अच्छा, रिजर्व सरप्लस में देखो तो पी एंड एल में आपने कितने रुपए छोड़े थे, पी एंड एल में आपने 2,00,000 रुपए लीव कर दिए थे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी आपका बैलेंस बच गया था, अपने चार्ट में निकाला था 92,500 का, ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में 92,500 का बैलेंस बच गया था, और इसके अलावा सीआरआर में भी आपने ट्रांसफर किए थे, ये देखो सीआरआर में आपने कितने ट्रांसफर किए थे, 670,
तो सी आर आर के भी लिख दो, ये पी एंड एल, ये रिजर्व सरप्लस, ये सी आर आर। और करंट लाइब्रेरी में तो आपके बस क्रेडिटर्स हैं जो एज इट इज है, उनमें कोई चेंज आया भी नहीं है, तो क्रेडिटर्स एज इट इज लिख दो कितने 11,50,000। तो लाइब्रेरीज में और इक्विटी एंड लाइब्रेरीज में बस यही आइटम है, इनका टोटल हम कर देते हैं, इनका टोटल आ रहा है 72,42,500। ठीक है, अब आते हैं एसेट्स में। टेंजिबल एसेट्स की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी कोई चेंज नहीं है, 25 लाख। फर्नीचर कोई चेंज नहीं है, 9,20,000। स्टॉक इन ट्रेड कोई चेंज नहीं है, 15 लाख। सन्डरी डेटर 21 लाख के थे, उस पर 1 लाख का पीबीडी बन गया था, ये बचे 20 लाख। देन बैंक बैलेंस, हमने बैलेंस निकाला था, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिए था, वो बचे ही नहीं, उनको तो बेच दिया था 50,000 का लॉस खाकर। और बैंक का बैलेंस हमने निकाला था 3,22,500, यहाँ जब हमने बैंक का वर्किंग बनाया था उसमें बैलेंस बचा था 322,500, वो एज इट इज यहाँ आ जाएगा। और यहाँ का टोटल भी आपका आ जाएगा 72,42,500। इस तरीके से यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल सेम आएंगे, सही है। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो अब नए वाले फॉर्मेट में हो गया है, वो आपको इसी तरीके से बनानी पड़ेगी। तो पहले पुरानी वाली बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बना लेना चाहिए, तो देन उसमें जो जो चेंजेस हों उनको यहाँ रिफ्लेक्ट कर देना चाहिए, सही है। जो चार्ट अपन ने बनाया है इट इज़ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, ये सिर्फ वर्किंग नोट है ना, ये केवल आपके समझने के लिए, ऐसा वर्किंग नोट वहाँ आपको नहीं बनाना, वहाँ तो आपको अलग अलग करके बताना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे हुआ, कैलकुलेशन ऑफ बैंक कैसे हुआ, कैलकुलेशन ऑफ पीएनएल कैसे हुआ, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाले। ये चार्ट तो केवल आपको समझने के लिए जो है बनाया है, एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना है। एग्जाम में तो सारी कैलकुलेशन वर्किंग नोट पहले दिखा देना, देन उनकी ये सारी वर्किंग जो एंट्रीज हैं वो अपन ने की हैं वो सारी दिखा देना, और सबसे लास्ट में आपको जो बैलेंस शीट है वो आपको दिखानी है, वो इस तरह से चलेगी, सही है। ओके, थैंक यू।